शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे सिवा किसको कहे दुखे हमारा, बता दे खुदा। तेरे सिवा किसको कहे दुखे हमारा, बता दे खुदा। अब तू खत्म करिए बाबा, दाता ये तुझसे करते दुआ। तेरे हाथों में जीवन की डोर, तेरे सिवा अपना ना कोई और, गम का दियारा मिटा करके तू सुख का सवेरा कर दे प्रभु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। तेरी कृपा से जीवन सफल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो।
तेरे सिवा किसको कहे दुख हमारा, बता दे खुदा अब तू खत्म करे बाबा, दाता ये तुझसे करते दुआ। तेरे हाथों में जीवन की डोर, तेरे सिवा अपना ना कोई और, गम का दियारा मिटा करके तू सुख का सवेरा कर दे प्रभु, सबका मंगल हो सबका मंगल हो, तेरी कृपा जीवन सुख सबका मंगल हो सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सुख सबका मंगल हो सबका मंगल, तेरी कृपा से जीवन सफल तेरी कृपा से जीवन सफल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। दरबार नसीबादा खुला,
सुते हुए पाग जगा दियो जी, सब रोने तोने मुक जावन। शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे सिवा किसको कहे दुखी हमारा, बता दे खुदा। तेरे सिवा किसको कहे दुखी हमारा, बता दे खुदा। अब तू खत्म करिए बाबा, दाता ये तुझसे करते दुआ। तेरे हाथों में जीवन की डोर, तेरे सिवा अपना ना कोई और, गम का दियारा मिटा करके तू सुख का सवेरा कर दे प्रभु। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी
कृपा से जीवन सफल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। ग्रीटिंग ऑफ द डे, आप सभी तक मेरी आवाज सही से पहुंच रही है तो प्लीज टाइप वन इन योर चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग यूट्यूब लाइव के साथ कनेक्ट हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है तो प्लीज टाइप वन इन योर कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। इसी कंफर्मेशन के साथ इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी के साथ इस वेबिनार की पहले आइडिया शेयरिंग करना चाहूंगी कि ये वेबिनार एक रेकी एनर्जी के अवेयरनेस के लिए है, साथ साथ में एनर्जी की कुछ ऐसी चीजें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगी जहां से हम इस एनर्जी के लिए अवेयर भी हो जाएंगे और साथ साथ में हमें हमारा रोल भी पता चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वेबिनार उन सब लोगों के लिए भी है जो बहुत दिनों से, महीनों से या सालों से सोच रहे थे कि आपको रेकी जर्नी अपने लाइफ का पार्ट बनानी है। तो हाँ, इसी वेबिनार में लास्ट 10 मिनट्स में मैं आप सभी की हेल्प करूँगी। उस लास्ट 10 मिनट्स तक पहुँचने के पहले जितना भी टाइम है, हम इस जर्नी में बहुत ही नई नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और इस एनर्जी जर्नी में इसी वेबिनार के साथ एक अवेयरनेस बढ़ाएंगे। आई एम श्योर सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे कि इस वेबिनार के लिए ये रजिस्ट्रेशन तो फ्री था, बट सबसे इम्पोर्टेंट वही लोग इस वेबिनार का पार्ट बन पाए जिनको एनर्जी ने अलाउ किया। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि सब ऐसे ब्लेस्ड पर्सन इस वेबिनार का पार्ट है और आपके इस वैल्यूएबल टाइम के साथ एंड क्वालिटी टाइम के साथ हम इस वेबिनार की जर्नी हैप्पी बनाएंगे।
तो इस वेबिनार की जर्नी में आप सभी के साथ एक फुल एनर्जी के साथ शुरू करूं उसके पहले सब लोग इस मुद्रा में बैठेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में कुछ ऐसी एक्शंस हैं जो हमें इस वेबिनार में एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएगी। तो चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी स्माइल और इस मुद्रा के साथ बैठिए, भले आपको लग रहा हो कि हम इन सब चीज़ों में तो हमारा वीडियो ऑन नहीं है, फिर दिखेगा या नहीं, बट आप आपके एनर्जी को महसूस करने वाले हो। तो जस्ट सिट लाइक दैट एंड टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और एक बहुत ही प्यारे स्माइल के साथ इस एनर्जी को फील करिए। आई एम सो हैप्पी एंड रिलैक्स। इस वेबिनार में आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्टेड फील करो, इसलिए मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब मुझे मेरे इंट्रोडक्शन के लिए अलाउ करें। तो प्लीज टाइप यस इन योर चैट बॉक्स, तो मैं समझूंगी कि हाँ आपने मुझे मेरे इंट्रोडक्शन की परमिशन दे दी है। जितने भी लोग YouTube के साथ है प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Once again, thank you. बहुत सारे लोग, शायद मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है बट आप शायद रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से ही आप आपके एनर्जी को स्कैन कर सकते हो। बहुत बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम करना चाहते हैं बट कभी कभी एनर्जी हमें अलाउ नहीं करती। हो सकता है यहाँ पे हमारा एक थॉट प्रोसेस हो या यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन जहाँ पे हम एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाए कि ऐसा होता क्यों है। तो आई विल हेल्प यू, आपको इस एनर्जी को थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा और बूस्ट करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग अभी भी इस यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जूम के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप सब लोग अपने चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे परमिशन दीजिए, तो हमारी कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो जाएगी। साथ साथ में अभी हम एक वेबिनार का पार्ट है पर इसमें एक सेमिनार का फील आपको लाना है, तो आपको एक छोटे से बात का ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा फीलिंग और ऐसा कमिटमेंट देना है जैसे कि आप मेरे साथ एक फिजिकल सेमिनार में बैठे हो। तो आपका बॉडी जेस्चर, पोस्चर, आपके एक्शन, आपका कभी वो एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन इस वेबिनार में बनाए रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टाइम कमिटमेंट, तो प्लीज़ इन बिटवीन इस वेबिनार को आप लीव ना करें। आप तभी इस वेबिनार को कम्प्लीटली अटेंड करें जब आप कमिटेड हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी वेबिनार का आप जब पूरा पार्ट बने रहोगे तो एंड ऑफ द वेबिनार में आपके जो भी सवाल है उसके आंसर्स लाइव दूंगी। इस बात का और ध्यान रखें कि मैं आप सभी के साथ लाइव कनेक्टेड हो। कभी टेक्निकल एरर है या किसी नेटवर्क इशू के कारण मेरा वीडियो पॉज हो सकता है या ऑडियो आगे पीछे हो रहा है, तो इस जस्ट स्मॉल कनेक्शन कि आपके नेटवर्क में आपको थोड़ा सा ऐसा फ्रिक्वेंसी मैच करो जहाँ पे कोई नेटवर्क इशू ना हो, बिकॉज यहाँ से मैं इंटायर टीम के साथ फुल सपोर्ट के साथ आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आपके परमिशन के लिए। हाय ऑल द फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर योगिनी साई। लास्ट 14 ईयर से मैं इस एनर्जी जर्नी का पार्ट हूँ। इस एनर्जी जर्नी की शुरुआत मेरी रेकी से हुई। प्रोफेशनली मैंने मेरी PhD कंप्लीट की है बट इस एनर्जी लैंग्वेज में या एनर्जी जर्नी का पार्ट बनने के बाद मैं आपको प्राउडली कहना चाहूँगी कि लाइफ के कुछ ऐसे अप एंड डाउन सिचुएशन ने ही मुझे इस बहुत ही प्यारे जर्नी के साथ जुड़ाया और आज मैं सक्सेसफुली लोगों को इस जर्नी से कनेक्ट करने का काम बहुत ही प्यारे एक टीम वर्क के साथ कर रही हूँ। तो आई फील सो ब्लेस्ड एंड मैं आप सभी को प्राउडली कहना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जहाँ पे बहुत बार हमें रिजल्ट नहीं मिलता या कभी कभी हमें लगता है कि क्या ये चीज़ें सही हो सकती है, ऐसे सब सिचुएशन में हमने रेकी के साथ लोगों को बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिया है। सेकेंड, रिलेशन के लिए हमने हील की है, बिजनेस के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए और हमारे गोल के लिए रेकी का जो सपोर्ट है अभी तक हमने लाखों लोगों के साथ कनेक्ट किया। इस फैमिली के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और आज ये मौका आपने इस फैमिली को फिर से दिया है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच। मैं इस फैमिली के इंट्रोडक्शन के साथ पसंद करूंगी इस वेबिनार के लर्निंग को स्टार्ट करना एंड सब लोग इस लर्निंग के लिए रेडी है तो प्लीज़ टाइप हैप्पी जर्नी इन योर चैट बॉक्स।
अपने चैट बॉक्स में हैप्पी जर्नी टाइप करिए, तो एक बहुत ही प्यारे कनेक्शन के साथ हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और बैठे बैठे एक लंबी और गहरी सांस ले लीजिए एंड रिलैक्स वन मोर टाइम, जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स। एंड अभी ये फील करिए कि जब आप एक लंबी और गहरी सांस ले रहे हो तो आप एक एनर्जी को अंदर एक बहुत ही प्यारे फ्लो में महसूस कर रहे हो, और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे लाइट हो रही है। तो और एक बार बैठे बैठे आप जहाँ पर भी बैठे हैं स्ट्रेट बैठ जाइए एंड टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलैक्स। इसी बहुत ही प्यारे कनेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं इस रेकी जर्नी को समझने के लिए। इस रेकी जर्नी के साथ आप सभी को इंट्रोड्यूस करा, उसके पहले एक बेसिक कंसेप्ट पे काम करते हैं और उसका कनेक्शन है एनर्जी के साथ। तो मैं पूछना चाहूँगी, कितने लोगों को याद है कि हमारे स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में कभी हमने एनर्जी नाम का टॉपिक पढ़ा था? एंड आपको याद है तो प्लीज़ टाइप एनर्जी इन योर चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, देर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने इसका रिप्लाई बहुत फास्ट दिया है। कंग्रेचुलेशंस, यहाँ से आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छे से फील हो रही है। तो वंस अगेन, हमने ये तो कभी ना कभी पढ़ा है एनर्जी, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज एनर्जी। तो देखो, हमारे आसपास पहले से एनर्जी है ये हमें पता है। जैसे इस ब्रह्मांड में भी बहुत सारी एनर्जी है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, बट हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे ऐसे कनेक्शन में कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिसे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, इन दोनों में एनर्जी होती है। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में एनर्जी है और हमें भी हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये चीज़ हम सभी ने अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये मैटर करता है कि हम किस एनर्जी के साथ जुड़े हैं। और ये आप सभी तक मैं पहुँचा, उसके पहले इस डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि एनर्जी की डेफिनेशन तो ये कहती है कि ये कभी भी डाई नहीं होती, ये कभी भी नहीं मरती, ये बस अपना फॉर्म चेंज करती है। और जब ये एनर्जी का डेफिनेशन इतना प्यारा है और इतना हमारे लिए कनेक्टेड है, तो बस हमें इसे अपने लाइफ के साथ अपनाना है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आप सभी से, कितने लोगों को लगता है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जिस भी फैमिली से जुड़े हो, वहाँ पे आपको अपने पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल इन तीनों जगह को एक बेस्ट वे में कनेक्ट करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है? एंड इफ़ यू बिलीव ऑन दैट, प्लीज़ टाइप यस इन योर चैट बॉक्स। मेरा सिंपल सा सवाल कि क्या आप इस बात को मानते हो कि हम जो भी काम करते हैं, फिर रिलेशन में हो या हमारे पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, क्या हमें हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए? और आपका आंसर यस है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। बहुत बार यही रॉन्ग परसेप्शन एंड मिस अंडरस्टैंडिंग्स ये होती है कि एनर्जी की प्रैक्टिस वही लोग करते हैं जिनको स्पिरिचुअली बहुत इंटरेस्ट है या जिनको आगे फ्यूचर या जो भी प्रोफेशन है इसमें ही बनाना है, तो इट्स रॉन्ग मेथ। जब हर एक पर्सन को हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो हर एक पर्सन के पास ये सिस्टम होनी चाहिए। तो इसी सिस्टम को एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझने के लिए इस लर्निंग को आगे बढ़ाता है। हमारा ये जो फिज़िकल शरीर है जिसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, बट उसके अलावा और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसका ध्यान हमने रखना चाहिए, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो ये एक ऐसा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हर एक पर्सन को इनबॉर्न यानी जन्मजात मिला है। इस बात को हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जैसे बॉर्न हुए हैं, ये सिस्टम हमारे साथ एज अ गिफ्टेडनेस में आई है, और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अभी समझते हैं इस ऑरा को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि इसे कुछ लोग एनर्जी फील्ड कहता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहता है, कोई इसे ऑरा कहता है, कोई इसे सूक्ष्म शरीर कहता है। इसका फंक्शन समझता है, ये काम क्या करता है। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारी मॉडर्न डेफिनेशन आप सभी के साथ देना चाहूँगी, और वो डेफिनेशन है कि जैसे हमारी बॉर्डर की BSF होती है,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एग्जैक्टली, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करते हैं? वो सीमा पे तैनात होके हमें एक प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, हमें एक सेफ फील कराने का काम करते हैं, और उसकी वजह से हम हमारे घर में सुरक्षित हैं, हम हमारे सिटी में सुरक्षित हैं, हम हमारे देश में सुरक्षित हैं। बस कुछ इसी प्रकार, जैसे आपके लिए ये समझना कितना आसान हुआ कि ये BSF का रोल क्या है, बस इतना ही आसान आपको इस एग्जाम्पल को अपने इस ऑरा के साथ मैच कर देना है। तो बैठे बैठे थोड़ा हाथों के एक्शन करो और ऐसे कनेक्ट करना है, यस। और जो लोग करेंगे ना तो ऑनेस्टली उनको बहुत मज़ा आएगा, तो थोड़ा सा और कस के कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। तो कनेक्ट ये करना है कि जैसे ये BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे ही बहुत प्यारी BSF हमारे पास है। तो टाइप इन योर चैट बॉक्स BSF। थैंक यू सो मच। बहुत सारे नंबर आपके नेम फटाफट स्क्रॉल हो गए, बट आई एम सो हैप्पी। साक्षी मैम, सुरेखा मैम, पंकज सर, रियली रियली हैप्पी। अब ये जो BSF है, एग्जैक्टली व्हाट इज BSF? तो ये हमारी बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है। और आपको लगता है कि बीच बीच में आपको कुछ हाईलाइट पॉइंट्स लिखना है, तो आप जरूर लिख सकते हो। अभी जब ये हमारी बॉडी सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत ही प्यारा रोल रखती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखें कि इसके राइट्स क्रिएटर ने हमें दिए है। तो थोड़ा सा अपना राइट हैंड सामने करिए और इसको यहाँ पर रखिए और बताइए खुद को कि ये राइट्स हमारे पास है। थोड़ा सा टच करके, थोड़ा सा टैप करके बताइए हमारे पास। थोड़ा सा उंगलियों को जोड़ के ऐसे बोलो हमारे पास है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एक पॉइंट है, उसी बहाने हम उसको थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे। यस, अभी ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप सभी के साथ क्यों करती हूँ या इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेस है? सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा इरादा यह है कि आप इस वेबिनार का जब पार्ट बने हो तो आप इस एनर्जी पर एक एक्सपर्टी के साथ समझो। जिस क्रिएटर ने हमें बनाया, उस क्रिएटर ने सपोज ये हमें गॉड गिफ्ट में दिया है कि हम ही खुद हमारी लाइफ के क्रिएटर है, यानी हमें हर एक चीज़ के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसको कितने फ्लो में रिसीव करना है यह हमसे कनेक्टेड है, ना कि किसी और से। जाने अनजाने में नहीं, हम डेली रूटीन में किसी और पे ब्लेम करते हैं, इसके कारण वो हुआ, उसके कारण वो हो गया, उनके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पाए। तो डोंट थिंक मच, बिकॉज जब तक आप खुद अलाउ नहीं करोगे तब तक आपका ऑरा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जब इतनी वंडरफुल बात हमने सीख ली है, तो प्लीज टाइप हैप्पी ऑरा इन योर चैट बॉक्स, बिकॉज हर एक पर्सन चाहेगा कि मेरा ऑरा जो है वो हैप्पी रहे, मेरा ऑरा कभी सैड ना हो। क्योंकि जब कनेक्टिविटी इतनी सुपरबली इस क्रिएटर ने बनाई है कि जिसका ऑरा स्ट्रांग, उसका बॉडी फंक्शनिंग, उसका काम करना, उसके रिलेशन, उसका हेल्थ, उसका वेल्थ सब अच्छा। बट जब ये ऑरा ही सैड हो जाए तो आपके अंदर के फंक्शनिंग में बिगाड़ आता है। तो आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारी स्लाइड शेयर करूंगी, व्हाट इज हैप्पी ऑरा एंड व्हाट इज सैड ऑरा। तो बैठे बैठे पहले हमारे हाथों को ऐसे घुमा लीजिए अच्छे से और 3-4 बार घुमाइए, तो उसी बहाने हमारा सुनने का स्टैमिना और बढ़ जाएगा। और जो लोग अभी भी नहीं कर रहे, प्लीज अभी आप कर लो। आबरा का जाबरा, गिली गिली छू, हमारे ऐसे ऐसे वाले जो सराउंडिंग में जो जगह है ना, ये हाथ इसलिए भी मैं घुमाने के लिए कह रही हूँ, और कुछ नहीं। तो आप आपका हाथ ना आपके ऑरा में अंदर एंटर कर रहे हो। तो देखो पहला पिक्चर जो है जिसमें ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, और जब ये ऑरा स्ट्रांग है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी सेंटर है और वो बैलेंस्ड रहते हैं। बट हमारा ऑरा जाने अनजाने में सैड हो जाए, वीक हो जाए, तो जो अंदर के बॉडी के एनर्जी सेंटर है हो जाता है। इस सब चीज़ों को समझना उतना ही आसान है कि जैसे हमारे गाड़ी के अलाइनमेंट बिगड़ जाते हैं तो उसका लोड उसके इंजन पे और बाकी पार्ट्स पे आना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे वो डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। बस इसी प्रकार हमें इस एग्जांपल को हमारे लाइफ के साथ जोड़ना है, तो और एक बार जोड़ लीजिए अच्छे कस के, क्योंकि जब इतना सारा नॉलेज हम बैठे बैठे कनेक्ट कर रहे हैं
और इसमें आप आपके बस एक्सपर्टी के साथ उसको एक बहुत ही प्यारे लिसनिंग क्वालिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो अच्छे से कस के एक बार बता दीजिए कि ये जो हमारा ऑरा है, ये ऑरा जब हैप्पी है तो हमारे अंदर के जो एनर्जी सेंटर है वो बैलेंस्ड रहता है, बट ये ऑरा सैड हो जाए तो हमारी जो एनर्जी सेंटर है उसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। अभी जब ये अवेयरनेस हमारे पास आ गया है तो मैं पूछना चाहूँगी कितने लोगों को लगता है कि यस हमारे पास ये जो ऑरा है ये हमें स्ट्रांग रखना है, तो प्लीज़ टाइप मी इन योर चैट बॉक्स। सुरेखा मैम आई विल हेल्प यू, क्या आप मुझे जो भी सवाल पूछना चाहते हो इसी वेबिनार के लास्ट के 10 मिनट्स पूछे, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अभी जब हर एक पर्सन को हैप्पी ऑरा चाहिए तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। कुछ बड़ी रॉन्ग परसेप्शंस होता है कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि शायद जो लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं या जो गुस्से वाले होते हैं या जो ज़्यादा जेलस फील करते हैं उनका ही ऑरा ब्लॉक होता है, तो इट्स रॉन्ग मिथ। कभी आपके पर्सनल लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ साथ आप लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो और वहाँ पे आपको एक थकान महसूस हो रही है, तो यस इसके वजह से भी आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो रीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं लोगों के साथ हो जिन लोगों को हम कह सकते हैं कि गुस्सा है या दूसरों को अंडरस्टैंड करने की पावर नहीं है। जब ये इतना इम्पॉर्टेंट साइंस है, जैसे कभी अंदर के अंदर चीज़ों को दबा देना, स्ट्रेस महसूस करना, सप्रेस कर देना, गिल्ट में रहना, निगेटिव थॉट प्रोसेस का पार्ट बनना, या डेली रूटीन में जो चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं वो भी ना करना, या ईटिंग हैबिट प्रॉपर ना होना, ये सब रीज़न की वजह से ऑरा ब्लॉक होता है। मैंने अभी जितने शॉर्ट शॉर्ट रीज़न कहे कि दिल की बात अंदर के अंदर ही रखना, किसी से शेयर ना करना, गुस्सा आना, गिल्ट या स्ट्रेस या निगेटिव थॉट प्रोसेस, कितने लोगों को लगता है इसमें से आधी चीज़ें आपके साथ भी हो रही है, प्लीज़ टाइप मी इन योर चैट बॉक्स। बिकॉज देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हमें पता है इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस आना या कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा टेंशन आना, और इन सब चीज़ों में हमें बस एक अवेयरनेस के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, तो पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ तो सबके लाइफ में कहाँ ना कहाँ होती है, बट ये मैटर करता है कि हम उसमें से नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुँचते हैं, और इसके लिए हमें नेक्स्ट नॉलेज की ज़रूरत है जो ये सब करने के लिए हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर जिसे हम चक्रास कहते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज चक्रा, हमारे एंटायर बॉडी में एनर्जी फ्लो करने का काम चक्रा करते हैं। तो थोड़ा बैठे बैठे ऐसे एक्शन करो सब लोग, और बीच में फिर से एक बार लंबी और गहरी सांस लेते हुए ये वाली एक्शन को करते रहो। ये एक्शन ये है कि हमारे चक्रास में एनर्जी फ्लो होती है, बट जब हमारी चक्रा ही ब्लॉक हो जाए तब उस चक्रा से एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाता है, और ये सिस्टम हमारे साथ कनेक्टेड है। तो चलो इसी सिस्टम को एक बहुत ही प्यारे अवेयरनेस के साथ समझते हैं कि हमें हमारे चक्रा के लिए जो कनेक्शंस है वो कैसे फील होंगे। देखो हमारा ये जो ऑरा है वो एनर्जी को अंदर पहुंचाता है, तो थोड़ा एक्शन से हमारे ऑरा से एनर्जी को अंदर पहुंचाने का काम होता है, और जब ये एनर्जी हमारे ऑरा में है और वो एनर्जी अंदर चक्राओं के पास आ रही है, तो चक्रा वहाँ से एनर्जी रिस्पेक्टेड हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे सिस्टम को पहुँचाने का काम करता है। तो ऐसी टोटल हमारी बॉडी में 114 चक्रास है, तो टाइप इन योर चैट बॉक्स 114। थैंक यू सो मच। और इस 114 चक्रा में से हमारे साथ जो कनेक्टेड चक्रा है वो है 108। अब 108 चक्रा को हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलाएं, यह हमें वरदान भी मिला है, बट डेली रूटीन में तो ये पॉसिबल नहीं है, और शायद इसका ध्यान पहले से ही क्रिएटर ने रखा है, और इसलिए हमें हमारे 108 चक्रा को आसानी से कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी उन्होंने एक बहुत ही प्यारे सिस्टम के साथ दी है, और वो ऐसे कि उन्होंने हमारी बॉडी में ना एनर्जी सेंटर बनाए, एनर्जी के जंक्शंस पॉइंट बनाए, और वो बनाए 7। तो टाइप इन योर चैट बॉक्स 7।
अब ये साथ ही ऐसे मेन एनर्जी सेंटर बनाए गए जहाँ से एनर्जी को सप्लाई करने का काम होता है। जैसे हमारे इंटायर बॉडी में ऐसी बहुत सारी नाड़ियाँ है जो इस एनर्जी को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो एनर्जी को पहुँचाने का काम करते हैं बट किसी रीज़न के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक हो जाए तो उसके साथ जुड़ा हुआ काम भी ब्लॉक हो जाता है। और इसी अवेयरनेस के साथ मैं आप सभी को सिखाना चाहूँगी कि ये जो हमारे 7 एनर्जी सेंटर है, बस इसको हमें एनर्जाइज करना या इसमें से एनर्जी को पास करना, हम इतना भी अच्छे से कर ले तो जाने अनजाने में एनर्जी के ब्लॉकेजेस नहीं बनते, बिकॉज ये एनर्जी के जंक्शंस पॉइंट है। इसको समझना इतना ही आसान जैसे आपने कभी ट्रेन के साथ ट्रैवलिंग की होगी, और इस ट्रेन के ट्रैवलिंग में आपने प्लेटफॉर्म में कभी आपकी ट्रेन खड़ी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी ट्रेन जब ऐसे जंक्शन पॉइंट पे खड़ी है तो उसके आगे और पीछे बहुत सारे स्टेशन जुड़ते हैं। मेरा सवाल आप सभी से, किसी रीज़न से ये जो जंक्शन पॉइंट है ये ब्लॉक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए कि आगे और पीछे जो स्टेशन कनेक्ट होने वाले हैं क्या वो कनेक्ट हो पाएंगे? जस्ट शेयर योर आंसर, यस और नो। थैंक यू सो मच। अभी आप तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से जुड़े हो, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, बट सबका आंसर नो 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 एंड नो आया। उसके पीछे क्या रीज़न था? एक तो आपका एक्सपीरियंस या आपकी इंटेलिजेंस या आपका लॉजिक। बस इसी प्रकार इस जंक्शन पॉइंट की चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, एज इट इज़ इसी एग्जांपल को अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं तो और एक बार ये एक्शन कर लो कनेक्ट करने की। जितने आसानी से आपने बोला कि किसी जंक्शन पॉइंट में बिगाड़ हो गया है तो आगे और पीछे के स्टेशन ज्वाइन नहीं होंगे, इसी प्रकार हमारे बॉडी के जो एनर्जी सेंटर है, यानी ये मेन 7 चक्रा है जिसे एनर्जी के जंक्शन पॉइंट कहा जाता है, ये किसी कारणवश ब्लॉक हो जाए तो ये उनके आगे और पीछे के चक्रास को, सब चक्रास को एनर्जी नहीं पहुँचा सकते। इसीलिए हमें हमारे इस एनर्जी लैंग्वेज में या एनर्जी जर्नी में इस बात का अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे इस एनर्जी सेंटर को हर बार एनर्जी के साथ जुड़े रखें। और इतने लर्निंग के साथ आप हैप्पी हो तो प्लीज़ टाइप हैप्पी इन योर चैट बॉक्स। सुरेखा मैम, मे बी एक जस्ट नेटवर्क इशू हो सकता है तो प्लीज़ चेक योर नेटवर्क। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें एक के बाद सीखना ये भी एक बहुत प्यारी एक्सपर्टी है। तो मैं इसी रिदम के साथ आपको नेक्स्ट रेकी के कनेक्शन के साथ ले चलूँ। उसके पहले एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहूँगी कि हमने अभी तक इस रेकी जर्नी में किस किस प्रकार का काम किया है। तो एक छोटा सा शेयरिंग आप सभी के लिए, जहाँ से आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हम इस रेकी जर्नी में किस लेवल का एक्सपीरियंस रखता है। तो प्लीज़ अलाउ मी इन माय चैट बॉक्स, यस आप यस टाइप करके मुझे परमिशन दीजिए तो मैं आप सभी के साथ ये हमारी शेयरिंग कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। तो जिस प्रकार हम पहले रेकी के अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और उसके बाद लोग हमसे जुड़ते हैं, तो एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप आप सभी के लिए। मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर हो गई हो तो जस्ट टाइप यस इन योर चैट बॉक्स। भारत की सुप्रसिद्ध ट्रेनर डॉक्टर योगिनी पांचाल ने रेकी निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर योगिनी पांचाल ने बताया है कि अपने शरीर को बगैर दवाइयों के स्वस्थ रखने का यह कारगर है। उन्होंने कहा है कि नशा और टेंशन को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि रेकी पावर के जरिए हम जीवन की अनेक नकारात्मक से बाहर आ सकते हैं, और आपको बता दें कि अपने जीवन को बैलेंस करने में भी इससे मदद मिलती है। हाँ
एक्चुअल रेकी ये जो है ये एक यूनिवर्सल पावर है और ये यूनिवर्सल पावर के साथ हर कोई जुड़ सकता है। ये पावर हर एक के अंदर होती है बट इसको एक साइंटिफिक मेथड से हम एक बेस देते हैं। तो आज की जिंदगी में जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रेकी एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये हर कोई सीख सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आजकल है कि नेगेटिविटी बढ़ना, डिप्रेशन बढ़ना, रिलेशन में डेप्थ नहीं होना, ये सब चीज़ें हम बहुत प्रैक्टिकल वे में और अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम हमारे गोल अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ये जो रेकी का मिशन है मैं इस बेस पे इसको आगे करना चाहती हूँ कि हर एक घर में एक भी सदस्य ये रेकी पावर से जुड़ जाए तो घर में जो रिलेशन से स्ट्रेंथ और पावर मिलता है जिससे हम नए काम कर सकते हैं। ये काम करना बहुत इजी हो जाएगा, बच्चों को हम एक बहुत सही पीढ़ी के तौर पे आगे बढ़ा पाएंगे और रिलेशन वाला जो एक साइंस है वो हर कोई सीखेगा तो प्रोफेशनल और पर्सनल ये दोनों ग्रोथ करना बहुत ईजी है। एक्चुअल हर एक चीज़ उसकी जगह बहुत परफेक्ट है। योगा, ज्योतिष, ऐसे ही ये जो एक रेखी पद्धति है मैं इसको तो एक साइंस ही नाम दूंगी और हर एक चीज़ों का इंटरलिंक है क्योंकि हर एक से जो मिलने वाली पावर है वो एक ही स्कोप से आने वाली है। तो हमारा जुड़ने का माध्यम ये एक छोटा सा शेयरिंग था कि आप इस फैमिली के साथ और कनेक्टेड फील करो, मैं इस फैमिली का वर्किंग आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसी एक्सपर्टी के साथ बढ़ते हैं हमारे इस वेबिनार के बहुत ही प्यारे टर्निंग पॉइंट के पास कि एग्जैक्टली व्हाट इज रेकी, रेकी क्या है। तो हाँ, ये जो रेकी वर्ड है ये एक जापनीज वर्ड है और इसे हम हमारे लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम इसे कह सकते हैं प्राण ऊर्जा, एक ऐसी प्राण ऊर्जा जो हमारे एंटायर बॉडी के फंक्शनिंग को संभालती है। और ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है ये तो हमारे आसपास पहले से है बट इसको हम कैसे रिसीव करें, कैसे रिसीव करने के बाद हमारे एनर्जी सेंटर तक पहुंचाए और बिना दवाई हम जैसे बड़े बड़े बीमारी से बाहर आना, यानी एग्जैक्टली ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में समझाऊँ। उसके पहले एक प्राउड फील कनेक्ट करते हैं कि ये रेकी वर्ड जापनीज है बट इस रेकी विद्या का जो कनेक्शन है वो भारत के साथ है। तो जस्ट फील ब्लेस्ड बिकॉज हमने हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों को समझा है, देखा है, या कभी बुक में पढ़ा है या कभी सीरियल्स में समझा है और जिसे हम एक बहुत ही प्यारा नाम कहते हैं वो है हस्त चिकित्सा। हमारे हाथों से कुछ एक ऐसी एनर्जी फ्लो होना जो किसी भी बीमारी को सही करे, रिलेशन को सही करे, प्रॉब्लम को दूर करे, दर्द को दूर करे, बस इसी विद्या का कनेक्शन हमारे भारत में पहले से था बट उसको रिटर्न फॉर्म नहीं मिला और रिटर्न फॉर्म ना मिलने के वजह से जब सेम टाइम जापान के प्रोफेसर डॉक्टर मकाऊ से ही सर इस पर रिसर्च कर रहे थे तो इनको बहुत सारी चीज़ें भारत में मिली जिसके आधार पे इन्होंने इन सब सिस्टम को डेवलप किया, एक रिटर्न फॉर्म देने का काम किया और रिटर्न फॉर्म उन्होंने दिया इसलिए हम इसको रे एनकी यानी द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग आज एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मकाऊ से सर का एक इतना प्यारा डिवोशन इसमें रहा कि उन्होंने अपने खुद के लाइफ की परवाह नहीं की, खुद को समर्पित कर दिया, पहले इस एनर्जी का एक्सपेरिमेंट खुद पे किया, बिना कुछ खाए पिए वो 21 डेज ऐसे साधना पे बैठ गए जहाँ पे धीरे धीरे उनका इनलाइटमेंट हुआ और इन सब एनर्जी के एक्सपर्टी में डॉक्टर मकाऊ से सर ने हमें एक बहुत ही प्यारी सिस्टम दी और वो है रेकी। अब इस रेकी में सिर्फ जर्नी डॉक्टर मकाऊ से सर तक ही नहीं रुकी तो इसके बाद उनके स्टूडेंट एक इतना प्यारा रोल उन्होंने निभाया जो डॉक्टर हयाशी है। आप इनको आज भी सर्च करोगे तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जिनको हर एक चीज़ का नॉलेज था बट लास्ट में वो खुद रेकी के शरण इसलिए आए क्योंकि जापान को बचाने वाली ऐसी ही कोई पावर हो सकती है। तो उन्होंने इसको पूरा डॉक्टर मकाऊ से सर के साथ समझ के एक करिकुलम देने का काम किया। करिकुलम में उन्होंने 5 लेवल बनाए और ये 5 के 5 लेवल को पहली बार कंप्लीट करने वाली मैडम तकाता का हिस्ट्री में रोल ये है कि वो एक जापनीज लेडी थी, वो US रहती थी बट बहुत सारे बीमारी के साथ वो अटक गई थी, कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ काम नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ये इन सब चीज़ों में डॉक्टर मकाऊ सही सर और हयाशी इनके साथ कनेक्ट होने के बाद मैडम तकादा ने खुद के ट्रीटमेंट रेकी के साथ शुरू करवाई।
देके बिना दवाई खुद को सही करके फिर उन्होंने बची हुई पूरी लाइफ इस रेकी के लिए दे दी। तो ये पहली महिला थी जहाँ पे उन्होंने इस रेकी का प्रचार एवं प्रसार शुरू किया। 1989 से हम भारत में रेकी का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। तो ये था एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन रेकी के हिस्ट्री के साथ। अब समझते हैं कि ये रेकी की एग्जैक्टली स्पेशलिटी क्या है और हमें क्या क्या बेनिफिट देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेकी का कनेक्शन ये है कि वो नॉर्मल मेडिटेशन से दूसरा, ये जो रेकी मेडिटेशन है इसमें एनर्जी ज़्यादा फील होती है बिकॉज हम रेकी में अट्यून किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शक्तिपात या अट्यूनमेंट। रेकी अकेले नहीं सीख सकते, आपको किसी ना किसी मीडिएटर की ज़रूरत है, किसी ना किसी ऐसे गुरु की या ऐसे टीचर की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सपर्टी समझाऊँ कि आप रेकी किसी से भी सीखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको आना तो एक ही सर्कल में है। क्योंकि रेकी का एक बहुत ही प्यारा रूल है कि रेकी हर एक मास्टर और ग्रैंड मास्टर के कनेक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल तक कनेक्ट हो रही है। इतनी सारी एनर्जी जहाँ पे जितनी अभी तक एनर्जी के कनेक्शन में रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर है, आप उन सब के एनर्जी के सर्कल में आ जाते हो। और शायद यही एक एग्जांपल है रेकी के स्ट्रेंथ को फील करने का। रेकी जैसे एक जेंटल टच है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करती, नेचुरल कनेक्शन है, हीलिंग प्रोसेस है, एक बैलेंसिंग प्रोसेस है, एक रिलैक्सेशन प्रोसेस है और सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही प्यारा एनर्जाइजर है। तो बैठे बैठे फिर से हमारे एनर्जाइजर को एक्टिव कर घुमा लीजिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और थोड़ा खुद को एक्टिव रखिए एंड जस्ट फील एकदम वाला ब्लेसिंग मोमेंट। बिकॉज ये जो चीजें आप जान रहे हो इतने शॉर्ट टाइम में, क्या पता आप ऐसे कितने लोगों के आगे इस अवेयरनेस जर्नी का पार्ट बन गए हो जहाँ पे अभी आप इस एनर्जी को बहुत ही साइंटिफिक वे में समझने वाले हो। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सभी को मैं आगे ले जाऊँ। तो हाथों की मुद्रा फिर से ऐसी एक प्यारी स्माइल के साथ थोड़ा बैठे बैठे ऐसे मोर जैसा नाच लीजिए, क्योंकि इतना एक जगह पे बैठना शायद कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। और आपको मैं कितना भी अच्छा समझाऊँ, हो सकता है आपका कंसंट्रेशन ना रहा हो या आपके कुछ विचार यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो। तो बैठे बैठे थोड़ा सा ऐसा ज़रूर कर लीजिए। बार बार चैट बॉक्स में आप टाइप नहीं भी करोगे, बट ये ऐसी एक्शन जब मैं कहूँ तब कंपल्सरी सबनी करनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं, और अच्छे से और ज़ोर से। कुछ लोग तो बड़े ऑनेस्टी के साथ कर रहे होंगे, बट कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मैडम आपको क्या पता चलने वाला है, बट ये आपको पता चलने वाला है, तो इसलिए अपने खुद के लिए कर लीजिए। तो इसी बहुत ही प्यारे पॉइंट के साथ कि रेकी में अट्यूनमेंट प्रोसेस बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसलिए ही हम रेकी के अट्यूनमेंट प्रोसेस के बाद ही रेकी चैनल का पार्ट बनते हैं। तो रेकी के टोटल 5 लेवल्स होती है। पहली लेवल है सेल्फ हीलिंग, दूसरी लेवल है आप दूसरों के लिए रेकी करना शुरू कर देते हो, तीसरे लेवल में आपको किसी भी बीमारी को सही करने के लिए जो सिंबल की ज़रूरत है वो सिंबल दिए जाता है, जिस एनर्जी को कनेक्ट करने के बाद आप सेल्फ ट्रीटमेंट और अदर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेवल 4th और 5th उन लोगों के लिए जो रेकी को एज अ प्रोफेशन बनाना चाहता है। तो चलो मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी शेयरिंग करूँ कि ये एनर्जी ज़रूरी की होती है। देखो दिन भर में मोबाइल पर हमने बात की और चार्जिंग पर नहीं लगाया, तो एंड ऑफ द डे आपका मोबाइल का बैटरी डाउन होने वाला है। तो हमें किस बात की ज़रूरी है, एक तो चार्जर की या पावर बैंक की। आप मेरे साथ एग्री हो तो टाइप एग्री इन योर चैट बॉक्स। जब आप इस बात से एग्री हो तो आपको पता है मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी उसको इस्तेमाल करने के बाद हमें एक एनर्जी की ज़रूरत है जो उस तक पहुँचानी पड़ती है। जैसे आप योर सेल्फ कि दिन भर में तो हम ऐसा कितना काम कर रहे हैं, फिर काम अच्छा हो या बुरा हो एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे मोबाइल पे आप अच्छी बात करो या बुरी बात करो, एनर्जी जो मोबाइल की बैटरी की है वो तो डाउन होने वाली है। तो बस इतना ही आसान है समझना कि आप काम अच्छा करो या बुरा करो, आपके बॉडी की एनर्जी डाउन होना आपके लिए बड़ा हार्म हो सकता है। जैसे कि हमारी अंदर की पूरी फंक्शनिंग इस एनर्जी सेंटर पे चलती है। देखो हमारे पास ऑलरेडी इस एनर्जी का फ्लो हम कनेक्ट करते हैं हमारे क्राउन चक्रा से, बट जाने अनजाने में जब ये फ्लो ब्लॉक हो जाए, कम हो जाए, तो अंदर ब्लॉकेजेस बनना शुरू होता है। कितने लोगों ने कभी अपने लाइफ में 10 या 15 दिन के बच्चे को हाथ में लिया होगा और आप डिस्टर्ब हो तो आपको ये फील हुआ होगा कि उसको हाथ में लेने के बाद यू फील हैप्पी एंड कम्फर्टेबल। और आप मेरी बात से एग्री हो तो प्लीज टाइप एग्री इन योर चैट बॉक्स।
थैंक यू सो मच. मैंने आप सभी से एग्री इसलिए भी करवाया कि आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपने अभी ये सवाल का आंसर दिया कि कभी आप 10 या 15 दिन के बच्चे को हाथ में लेने का एक्सपीरियंस है, तो इसमें और एक चीज़ ऐड ऑन करो कि कभी आप डिस्टर्ब हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ शायद मूड आपका अच्छा नहीं है, क्या आप इस बात को मानते हो कि इस 10 से 15 दिन के बच्चे को हाथ में लेने के बाद, फील करने के बाद आपको रिलैक्स लगने लग जाता है? और आप इस बात से एग्री हो तो आप इस बात को भी एग्री कर रहे हो कि आप भी कभी बच्चे थे, और आप भी कभी बच्चे थे तो हमारे अंदर भी इतनी ही एनर्जी थी. देखो आजकल ना हम इस एनर्जी परसेप्शन को कोई जब हमें एक्सपर्ट समझाता है तो हमें लगता है वो उनके अच्छे के लिए बता रहे होंगे, बट नहीं, एक्चुअली ये सिस्टम सबके लिए सेम है. और जब आप इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके हो तो बस हमें हमारी जो ब्लॉक एनर्जी है उसको रिमूव करने का काम करना चाहिए, बिकॉज उसको रिमूव करने के लिए मार्केट में कोई भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है. जब हमने इतने आसानी से समझ लिया तो हमें करना क्या है, ये मैं इमेज आपको फिर से बताऊंगी. जो रेड रेड पैच थे जहाँ पे अपने ब्लॉकेजेस देखे, वहाँ पे हम एनर्जी का जब फ्लो बढ़ा देते हैं तो चीज़ें बाय डिफॉल्ट बैलेंस होना शुरू हो जाती है. बट जो ऊपर का फेस है उसमें ही हम रुके तो हमारी बॉडी बीमार होगी, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें इसी एनर्जी सेंटर से तो जुड़ी हुई है. बट सपोज सिर्फ ये फ्लो बढ़ा देना और बैलेंसिंग करना सब चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो क्यों नहीं हम हमारे लाइफ में इसका अवेयरनेस रखिए. जब आप बीमार हो जाता है या हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाता है और हम बहुत बार इन सब चीज़ों को शायद किसी मेडिसिन से बैलेंस कर लिया, या सालों से हम बस मेडिसिन लिए जा रहे हैं बट हम उसका रूट कॉज नहीं देखेंगे, तो हम इस एनर्जी को शायद कभी उस रिस्पेक्टेड टाइम या उस जगह पे नहीं पहुंचाएंगे, तो प्रॉब्लम वहाँ की वहाँ रहेगा और हमें लगेगा कि दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी की ज़रूरत है. तो इसी एक्सपर्टी के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि जब लेवल 1 में आप सेल्फ हीलिंग करते हो, ऐसे टोटल 24 पॉइंट्स को हील करना आपको सिखाया जाता है. जैसे कि लेवल 1 में शुरुआत होती है अट्यूनमेंट के साथ, एक गुरु आपको वो अट्यूनमेंट देता है. इस अट्यूनमेंट का साइंटिफिक मैंने आपको बेनिफिट बताया कि आप एक एनर्जी सर्कल का पार्ट बनते हो, आपकी ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से आना शुरू हो जाती है, आपके हाथों से फ्लो होती है, और बस ये हाथों से जो आपकी ऊर्जा फ्लो हो रही है सिर्फ केवल आपके टच से, जहाँ पे भी आपको दर्द है वहाँ पे आप हील कर सकते हो. इतनी पावर इस एनर्जी में होती है. फिर इंस्टेंट जॉइंट पेन, कभी सिर दुखना, कभी शोल्डर पे पेन, कभी बैक पे पेन, कभी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या कभी रिलेशन इशू, इन सब चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होता है जिसको हमें हील करना होता है, और इस हीलिंग के बाद वो एनर्जी वहाँ पहुँचती है. जो भी ब्लॉकेजेस महीने से सालों से बने हैं वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाता है, वहाँ से एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है और हमें रिजल्ट मिलता है. इसको समझना उतना ही आसान है कि हमें हमारे क्रिएटर ने जो भी काम के लिए एनर्जी चाहिए उसको हमारे चक्रा के साथ जुड़ाया. तो समझते हैं ये चक्रा का इंपॉर्टेंस. पहला चक्रा रूट चक्रा जो हमारे फाइनेंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए है. दूसरा चक्रा स्वादिष्ठान जो हमारे रिलेशनशिप के लिए है. तीसरा मणिपुर जो हमारे करियर के लिए है. चौथा हार्ट चक्रा जो अंडरस्टैंडिंग अदर्स के लिए है. फिफ्थ चक्रा जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल के लिए है. सिक्स चक्रा जो हमारे लाइफ के क्लियरिटी के लिए है. और सेवन चक्रा जो चक्रा हमारी ब्लेसिंग के लिए है. जब हर एक डिपार्टमेंट को कुछ काम सौंपे है और उसका काम कोई और नहीं कर सकता, तो जाने अनजाने में जब ये चक्रा ब्लॉक होता है, तो इस वेबिनार से एक बहुत ही प्यारे लर्निंग को कनेक्ट करिए. और वो लर्निंग ये है कि ये जो हमारा समझ लीजिए मूलाधार चक्रा ब्लॉक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. जॉइंट पेन होना, रात में अच्छे से नींद ना आना, डिप्रेशन फील करना, या हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, या हेयर फॉल, आपके स्वादिष्ठान में प्रॉब्लम होना, रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग ना होना, प्यार को महसूस ना कर पाना, या सामने वाले को जाने अनजाने में बार बार हर्ट करना. जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे इस चक्रा के साथ कनेक्टेड है, तो हमें इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है कि हमारे आसपास के लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो शायद उनको एक हीलिंग की ज़रूरत है. जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इट इज़ ब्लॉकेजेस ऑफ हार्ट चक्रा. अंदर की दिल की बात ना बता पाना, इट इज़ ब्लॉकेज ऑफ
थ्रोट चक्र जहाँ से थायराइड भी हो जाता है। तो क्या रेकी सिर्फ जो बीमार है उनके लिए है? नहीं, रेकी उन लोगों के लिए भी है कि जो आगे चल के भी बीमार नहीं होना चाहते, वहाँ पे वो एज अ प्रोटेक्शन काम करती है। आप ऑलरेडी फाइनेंशियली साउंड हो, हैप्पी हो, तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। बट हाँ, आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू है, आपकी लाइफ में रिलेशन इशू है, कुछ हेल्थ इशू है, जैसे कि स्क्रीन में देखो हेल्थ वाइज, हम कहते हैं ना कि भारत से भी स्ट्रांग कुछ हेल्थ की सिस्टम बाहर है। आउट ऑफ इंडिया में बड़े बड़े सर्जरी होने के पहले डॉक्टर्स जो है वो रेकी करते हैं, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट जल्दी सही हो जाए इसके लिए भी रेकी की जाती है। ग्रुप में, हॉस्पिटल में ग्रुप रेकी की जाती है। जब ये इतना अवेयरनेस है, जहाँ पे US में 20% पॉपुलेशन रेकी को एज अ प्रोफेशन जानती है, तो हमें ये अवेयरनेस इस भारत में करना है जहाँ पे बहुत सारे रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर इस जर्नी का पार्ट है। तो जैसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी कि बेनिफिट है कि आपके करियर को और स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, आपकी सालों महीनों से कुछ फिजिकल कंप्लेंट है उसको सही करने के लिए, रिलेशन में हील करने के लिए, रिलेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए, हेल्थ और वेल्थ पे काम करने के लिए रेकी हेल्प करता है। तो कितने लोगों को लगता है कि यस ऐसे हेल्प की ज़रूरत आपको है, तो प्लीज़ टाइप मी इन योर चैट बॉक्स, क्योंकि जब हमारी ज़रूरत है तभी हम चीज़ों को समझते हैं, शायद हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं समझते। तो इस कन्फर्मेशन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमने 14 ईयर्स इस रेकी जर्नी में जो काम किया वो किस प्रकार किया अवेयरनेस का, और अभी ऑनलाइन ये जो हमारी फैमिली है हमने कितने अच्छे से लाइव सेशन में कनेक्ट किए हैं। तो ये एक छोटा सा शेयरिंग आप सभी के लिए, जहाँ पे आप इस फैमिली के ये छोटे से फील को समझ पाओगे। तो यस, हमारी अभी तक ये जो 14 इयर्स की जर्नी थी उसको शॉर्ट में सिर्फ एक मिनट में आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो देर इज़ द स्मॉल शेयरिंग फॉर यू कि हमारी ऑफलाइन जर्नी और ऑनलाइन जर्नी अभी तक क्या रोल रखती है। तो थैंक यू सो मच। छोटा सा आपने हैप्पीनेस देखा, ये हमारी ऑनलाइन रेकी फैमिली है, और बस इसी फैमिली के इनविटेशन के लिए मैं आप सभी को आपकी एक्सपर्टी के साथ इनवाइट करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया, इसको देखने के बाद यू फील हैप्पी, तो प्लीज टाइप हैप्पी इन योर चैट बॉक्स, बिकॉज ये मौका हमें मिला कि इस वेबिनार के थ्रू हम एक दूसरे को जान पाए, हेल्प कर पाए। तो अभी बढ़ती हूँ मैं एक बहुत ही प्यारे अवेयरनेस की ओर। जैसे मैं 14 ईयर्स से इस जर्नी का पार्ट हूँ, लोगों के रिलेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अभी तक हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे काम किया। हमने लोगों को रेकी लेवल 1, 2, 3, 4, 5 से कनेक्ट किया। हमारे पास ऐसे बहुत एक्सपर्ट है जो आज रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर बन के इस जर्नी को और आगे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इतनी लाखों फैमिली मेंबर्स का ये जो कनेक्शन एंड बहुत ही प्यारा प्यार जो रेकी के साथ जुड़ा है, बस इस फैमिली में मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ। तो 14 इयर्स में जो हमने फिजिकली रेकी के साथ जो चार्ज किया, अभी हमने कोरोना के बाद इसको बहुत मिनिमम कर लिया, क्योंकि हर एक पर्सन इसका पार्ट बन पाए। शायद कोरोना में हमारे पास बहुत सारे अवेयरनेस भी आ गए कि हमारी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और जाने अनजाने में ये जब सब पूरी सिस्टम ही हमारे एनर्जी सेंटर पे यानी हमारे चक्राउस पे है, बट वहाँ के ब्लॉकेजेस या ऑरा का डिस्टर्ब होना एक एनर्जी ही उसको हील कर सकती है। तो रेकी हमारे लिए एक बहुत प्यारा वरदान है जो कोई भी कर सकता है एक्सपर्टी के साथ, बिकॉज हम उसमें जस्ट मीडिएटर होता है, क्योंकि अटेनमेंट प्रोसेस इसमें एक बहुत वंडरफुल प्रोसेस मानी जाती है।
और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो ये जर्नी मेरे साथ लाइव सेशन में होती है। आप मेरे साथ जैसे जूम में आज आप वेबिनार का पार्ट हो, बट जब आप मेरे से मिलोगे तब आप एक वीडियो मीटिंग का पार्ट रहोगे। जब आपके भी वीडियो ऑन रहता है मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट करती हूँ लाइव सेशन में। तो पहले तो समझते हैं कितने लोग इस डेट के लिए और टाइम के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं इस जर्नी को बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी के साथ और बहुत मिनिमम अमाउंट में शेयर करने वाली हूँ। तो सब लोग ज़रूर रेडी हो जाइए लकी फैमिली मेम्बर बनने के लिए, बिकॉज ये चांस हर वेबिनार में हम सिर्फ 25% को एक स्पेशल अमाउंट के साथ दे सकते हैं। तो यस, वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, उसके पहले समझ लेते हैं कि ये जर्नी कैसी होती है। ये जर्नी होती है 3 दिन लाइव सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको पहले इमोशनल हीलिंग कराती हूँ। जाने अनजाने में कभी कुछ चीज़ें अंदर के अंदर दब जाती है, तकलीफ देती है, ब्लॉकेजेस देती है और हम उसको रिलीज नहीं कर पाते, तो पहले हम उसको रिलीज करेंगे। उसके बाद रेकी के प्रिंसिपल सीखेंगे और नेक्स्ट डे हमारी रेकी की लेवल 1 की अट्यूनमेंट होगी, जो सेल्फ हीलिंग का हमें कनेक्शन देगी। फिर हम ऑरा क्लीनिंग सीखेंगे कि हम खुद का ही ऑरा कैसे क्लीन करें। देखो, दिन भर में जाने अनजाने में ऐसी कितनी निगेटिविटी है जो हमें भी बहुत बार पता नहीं होता और ऑरा में आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो अंदर उसकी जगह बना लेती है। तो क्यों नहीं हम रोज़ का रोज़ हमारा ऑरा इस दिव्य शक्ति के साथ क्लीन करें। और फिर मैं आपको सिखाती हूँ 3rd डे में 24 पॉइंट हीलिंग, जो आपको किसी भी बीमारी से दूर कर सकता है। आपको किसी भी बीमारी का कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आप इसका कनेक्शन आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए महसूस कर सकते हो, एज अ प्रोटेक्शन महसूस कर सकते हो। तो आपको मेरे साथ 3 दिन लाइव मिलना है। और देखो, टाइमिंग बहुत सुटेबल है, एक तो उन लोगों के लिए जो लोग इसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहता है मेरे साथ, तो यस आपके लिए ये जो बैच के टाइमिंग है वो रहेंगे 5:30 to 7:30 मॉर्निंग। बट कुछ लोगों को ये मॉर्निंग आवर्स कंफर्टेबल नहीं है, तो आप मेरे साथ ये जर्नी ज्वाइन करोगे सेम डेट इवनिंग में लाइव सेशन में इवनिंग 8 to 10। तो देखो, 3 दिन लाइव क्लास, दिन के 2 दिन ही, 2 घंटे ही आपको इन्वेस्ट करने हैं। 6 आवर्स का ये लाइव ट्रेनिंग जहाँ पे मैं लेवल 1 आपकी कंप्लीट कराऊंगी सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद, और आपको 21 डेज के प्रैक्टिस का सपोर्ट भी हम आपके ही उस ग्रुप में देते हैं, जिस ग्रुप के साथ आप ये व्हाट्सएप पे एक बहुत ही प्यारा फैमिली फॉर्म करते हो। तो देखो, आसान है, आपको मेरे साथ लाइव 3 दिन का ही कमिटमेंट देना है। उसके बाद 21 दिन का जो मेडिटेशन है आपको बस सिस्टम में रह के हम कंप्लीट करने के लिए एक बहुत प्यारा अटेंडेंस सपोर्ट देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कितने लोग इस डेट और टाइम के लिए कंफर्टेबल है, तो प्लीज़ टाइप यस इन योर चैट बॉक्स। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ना ये बात तो समझनी हमें ज़रूरी है कि क्या हम खुद इससे जुड़ना चाहते हैं। हमें लाइफ में जिस मुकाम पे अभी हम हैं इससे नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचना है। क्योंकि देखो, बहुत बार ना हम काम बहुत करते हैं बट पता नहीं चलता रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिलेशन संभालना चाहते हैं, पता नहीं चलता संभले क्यों नहीं जाते। प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कभी कभी फील नहीं होता है। तो वाई नॉट कि आप इसके ऐसे सिस्टम को ही समझे जहाँ से ब्रह्मांड की हर एक वो एनर्जी आप खुद के अंदर सेफ फॉर्म में ले सकते हो। जब हम कभी सिर दुखना, जॉइंट पेन, दवाई खा रहे हैं तो हम हमारे शरीर को बहुत वीक कर रहे हैं। कुछ ऐसा साइंस सीखना जहाँ पे हम हमें खुद को सही कर पाए, और जब ये कनेक्शन आपको रिजल्ट देना शुरू करे तो आप लेवल 2 की ओर जा सकते हो। बिकॉज लेवल 1 के बाद ही आप लेवल 2 तक कनेक्ट होते हो, आप डायरेक्टली लेवल 2 नहीं सीख सकते। तो इसी रिस्पेक्ट के साथ मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट करूँ, उसके पहले एक छोटा सा माहौल शेयर करना चाहूँगी। जो लोग ऑलरेडी रेकी सीख चुके हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो इट इज़ वेरी सुपर कनेक्शन जहाँ से आपको बहुत कनेक्टेड फील होगा। तो आप इस छोटे से एक्सपीरियंस से समझ पाओगे कि जो लोग ऑलरेडी ये रेकी सीखे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। यस सुजाता मैम, एवढंच मलाही गॅप नाही, तो मैं भी इस जर्नी में ना निकलले आपको। फिर उसने मतलब बोला सुपर, आप तो ज्वाइन कर ही लो आगमन करके। तो फिर मैंने बोला मैं 3rd लेवल यहीं से करती हूँ। इतनी क्लैरिटी कोई क्लास में मैम आई थिंक कोई नहीं देता जितना आप समझाते हो, जितना क्लियरली समझाते हो। तो
तो रियली रियली थैंक्स अ लॉट कि मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब हर चीज मुझे बहुत क्लियर है और मतलब थैंक यू सो मच सोनल, बट रियली जस्ट फील ब्लेस्ड जिन्होंने आपको इस व्यक्ति से जुड़ाया है, बिकॉज़ पढ़ाया जाता है, ये स्टूडेंट को पता चल जाता है और ये कितनी गहराई हो सकती है। जबरदस्त सेशन था और मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में पर्टिकुलर कि आपने जो सेकंड टाइम समझा ना, किसी ने पूछा था कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और आपने जो सेंटेंस यूज किया कि डबल एनर्जी से मैं आपको समझाऊंगी, तो वो हर एक टीचर में नहीं होता ये चीज, वो सिखाते हैं बट सेकंड टाइम का जो सिखाने का तरीका होता है या चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना वो थोड़ा सा, मुझे सुन पा रहे हैं सब? यस। ओके, तो वो जो सिखाने के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं तो स्टूडेंट को पता चल जाता है, और ये प्रोग्रामिंग है ना स्कूल से होती है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि यार इसे पूछूंगा टीचर चाहे वाले अच्छे हो इतने अच्छे हो पर तो उसका डर उसको इतने सारे लोगों ने इतना बट आपको जब से देख रही हूँ और फील कर रही हूँ ना आप, तो यस एक छोटा सा शेयरिंग था जहाँ पे मैं आप सभी की हेल्प करना चाह रही थी कि इस फैमिली से जुड़ना एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ मेरे से नहीं तो एक बहुत प्यारी फैमिली फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे कॉमनली हर कोई एक तो अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए या लोगों को हेल्प करने के लिए जुड़ता है, बिकॉज रेकी एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप लोगों की इस नेचर की एनिमल की सबकी हेल्प कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इस एक्सपर्टी के साथ आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हो आप हमारे साथ जुड़े, इस सिस्टम को जाने और इस सिस्टम को आगे बढ़ाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार फिर से इस मुद्रा में बैठ के एक बहुत ही प्यार से बॉडी मूवमेंट को देते हुए और हैप्पीनेस के साथ, मैं पहले तो आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप सभी ने ये अपॉर्चुनिटी के साथ हमें एक बहुत ही प्यारा टाइम दिया, और जितने लोग हमारी फैमिली के साथ जुड़ेंगे या जो मे बी जुड़ भी ना पाए, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको एनर्जी ने सेलेक्ट किया इसलिए आप इस बहुत ही प्यारे जर्नी का पार्ट बन पाए। अब जैसे मैंने कहा हमारा ये जो जर्नी है लेवल वन के लिए, हम अभी तक चार्ज करते थे 3,000 rupees फॉर द लेवल वन, बट मैं अभी ऐसे लकी 25 मेंबर्स के लिए एक इतना मिनिमम अमाउंट अनाउंस करूंगी, जो लोग आने वाले 10 मिनट्स में इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो बोनसेस है वो मैं पहले ही कह दूँ, मैं जो भी अमाउंट आपके साथ अनाउंस करूंगी उस पे मैं आपको देने वाली हूँ 7,000 rupees का बोनस, 5,000 rupees की लाइफ टाइम मेंबरशिप जहाँ पे आप लेवल वन कभी भी रिपीट कर सकते हो, आप लाइफ टाइम के लिए हमारे लेवल वन फैमिली का पार्ट हो। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा 2,000 rupees का एक मेडिटेशन सीरीज जो फैमिली में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बट मेरे साथ जो मौका मिल रहा है 3 दिन लाइव सेशन में रेकी को लाइव सीखने का, अट्यूनमेंट लेने का और रेकी के साथ परमानेंट जुड़ने का, तो उसका जो अमाउंट है वो आपके लिए 3,000 नहीं तो आपके लिए रहेगा सिर्फ और सिर्फ 999। तो जितने लोग पहले 25 सीट्स में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, टीम ने जो आपको लिंक दी है रोजर पे की, गूगल पे या पेटीएम, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, बिकॉज रेकी हम फ्री नहीं सीख सकते, एक अट्यूनमेंट प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस है, एंड इसी एनर्जी एक्सचेंज के बहुत ही प्यारे कनेक्शन के साथ आप इसको लाइफ टाइम मेम्बरशिप के साथ और 2,000 rupees के मेडिटेशन के प्रोडक्ट के साथ 3 days मेरे साथ लाइव मिलोगे। तो जितने भी लोग इस जर्नी के लिए इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, तो आपको तो अपने बहुत ही प्यारे घर से ही कनेक्ट होना है 3 दिन लाइव सेशन में, कभी जाने अनजाने में कुछ नेटवर्क इशू आ जाए तो हम आपको हेल्प करते हैं। तो पहली प्रोसेस आपको आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, टीम को सेंड करना है, बट 25 बुकिंग्स कंप्लीट हो जाए तो 26 नंबर का बुकिंग स्टार्ट होगा 1,999 से। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपका पेमेंट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और वहाँ पे आपको अपने बैच का टाइम शेयर करना है। बैच नंबर 1 मॉर्निंग आवर्स के लिए रहेगी, बैच नंबर 2 इवनिंग आवर्स के लिए रहेगी, तो विच बैच इज सुटेबल फॉर यू स्क्रीनशॉट में टीम को बता दीजिए, टीम आपको उसी रिस्पेक्टेड ग्रुप में ऐड कर देगी, एंड इट इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 3 दिन लाइव सेशन में हम इंटायर लाइफ का एक साइंस समझने वाले हैं,
हमारा ये एनर्जी सेंटर का काम और कोई चीज नहीं कर सकती, तो जाने अनजाने में लाइफ में तो चैलेंजेस रहेंगे, रेकी सीखने के बाद भी रहेंगे, बट हम उसको उसी समय एनर्जी के साथ हील करेंगे और हम हमारे परफॉर्मेंस में एक नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत प्यारा बेनिफिट है। तो मैं समझना चाहूँगी कितने लोग इस प्रोसेस में हैं, तो शेयर योर नेम, तो और आपकी प्रोसेस होने के बाद आप अपना बहुत ही प्यारा जो स्क्रीनशॉट है, इनिशिएटिव है, वो टीम के साथ शेयर करिए, टीम आपको एक रिस्पेक्टेड ग्रुप में ऐड करेगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी आपके जो भी कुछ सवाल है आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करना पसंद करूंगी। तो थैंक यू सो मच अमित सर, रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच गौरव सर, रियली हैप्पी फॉर यू। मैं आप सभी की हेल्प करना चाहूंगी कि जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन यूट्यूब के साथ हो रहा है, आप डायरेक्टली टीम के उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप कन्फर्मेशन व्हाट्सएप पे या जूम पे ले सकते हो। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव इस बात का ध्यान रखे कि इस वेबिनार के बाद आप बुकिंग करोगे तो अमाउंट आपके लिए 3000 है, अभी आप करोगे तो 999 है। तो इट इज़ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट जिसमें शायद हमारा एक टाइम का होटलिंग बजट या शॉपिंग बजट हो, बट एंटायर लाइफ के लिए, एनर्जी के लैंग्वेज के अवेयरनेस के लिए, हम उस एनर्जी के साथ अट्यून होके खुद की ही ट्रीटमेंट खुद करने वाले हो, जो रिलेशन के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए काम आएगी, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए काम आएगी। तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो यस अश्विनी मैम थैंक यू सो मच, गणेश सर थैंक यू सो मच, रियली हैप्पी फॉर योर इनिशिएटिव। जिन जिन लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपका नाम मेरे से स्किप हो गया हो, तो आप टीम से व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन ले लीजिए, तो टीम आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। आई एम सो हैप्पी। तो यस तनुजा मैम थैंक यू सो मच, अभिजीत सर थैंक यू सो मच, हर्षदा मैम वेलकम इन रेकी फैमिली। आई एम श्योर जितने जितने लोगों ने यह इनिशिएटिव लिया है, आपका ये जो डिसीजन है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि आप इस फैमिली का पार्ट बन रहे हो। तो आपका और भी कुछ सवाल है, जैसे और एक सवाल मुझे आया कि क्या इससे हम स्किन डिसीज या हमारा जो जॉइंट पेन है वो सही कर सकते हैं। तो यस, जैसे स्किन डिसीज हमारे रूट चक्रा का ही डिस्टर्बेंस है, जॉइंट पेन भी इसके साथ ही कनेक्टेड है। तो आप जब इस चक्रा को उस ब्लॉकेजेस से दूर करोगे और रेकी एनर्जी से हील करोगे, तो वो हीलिंग से वो ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे, उसका फंक्शनिंग शुरू होगा, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह से बहुत अच्छे से पहुंचेगी, तो हम इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। रेकी हमें रिलेशन के लिए कैसे हेल्प करती है? तो यस, मैं इसके लिए हेल्प करना चाहूंगी। जैसे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, वहाँ की जो एनर्जी है वो हमें क्रिएटिविटी देती है, रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग देती है। अभी जाने अनजाने में चक्रा ही ब्लॉक है, तो हम रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग कम कर बैठते हैं और वहाँ पे हमें हर्डल्स आना शुरू होता है। तो स्वादिष्ठान चक्रा को या उसके सब पॉइंट्स, जैसे हम 24 पॉइंट्स को हील करते हैं, तो ये एनर्जी को हील करना, एनर्जी को वहाँ पहुँचाना, हमारे यहाँ प्राण ऊर्जा वहाँ पे फ्लो होती है और वहाँ पे जो नेचुरल फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है और हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाउ रेकी हेल्प्स इन द मॉनिटरी, आपके ग्रोथ के लिए कैसे करेगी? जैसे रूट चक्रा हमारे फाइनेंस के साथ है, अभी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए ही पावर नहीं है तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ये एनर्जी काम अपने रूट चक्रा के लिए करती है और फिर हमें इसका रिजल्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर दिखता है। तो रियली रियली आई एम सो हैप्पी। जितने लोग अभी भी प्रोसेस में है, शेयर योर नेम, तो मैं चाहूँगी कि टीम आपकी हेल्प करे। आने वाले और 10 मिनट में आप इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच टीना मैम, रियली हैप्पी फॉर यू। उर्मिला मैम रियली हैप्पी फॉर यू। जब तक आपकी और भी प्रोसेस हो रही है, मैं आप सभी के साथ फीडबैक शेयर करना पसंद करूंगी, और इस फीडबैक के साथ साथ ही आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करिए। आपके बीच बीच में जैसे सवाल आएंगे मैं उसका आंसर देना पसंद करूंगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और ये फीडबैक और इस जर्नी को अच्छे से समझने के लिए, तो थैंक यू सो मच। और ये जो फीडबैक है, पंकज सर वेर इज़ द लिंक, लिंक आपकी चैट बॉक्स में ही है, टीम ने वो शेयर की है, तो उस लिंक पे जाके आप पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिए, या फिर आप गूगल पे या पेटीएम कर दीजिए, टीम ने आपको चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दिया होगा, या आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कंफर्मेशन दिया होगा। तो जिस बैच का आप पार्ट बनना चाहते हैं, प्लीज़ उसका आप ज़रूर नंबर डाल देना, तो टीम को और आसानी होगी।
ये कुछ ऐसे फीडबैक आप सभी के साथ शेयर करूंगी जहां पे ऑलरेडी इनके 21 डेज कंप्लीट होने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो ये छोटा सा शेयरिंग आप सभी के लिए। मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर हो गई है। फैमिली के साथ तो मतलब फैबुलस, क्या कहा जाए, मतलब आपके साथ तो मुझे जोड़ के ऐसा लगा कि जैसे किसी बच्चे को सिखाया जाता है उस तरह से आपने सिखाया है, क्योंकि मुझे इसकी ABCD भी नहीं पता थी। पता नहीं कैसे वो कहाँ से मेरे लिए एक ईश्वर का वरदान के रूप में एक रेकी शब्द आया पहले तो मेरे सामने मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। उसके बाद अचानक आज आप मुझे फेसबुक पे दिखी और मैंने आपको ज्वाइन कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। और उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको करना चाहिए। मैं तो अपनी फैमिली मेंबर एक एक मेंबर को कहती हूँ कि तुमको करना चाहिए ज्वाइन, ये बच्चों से भी कहती रहती हूँ। और भाई के लिए तो मैंने आपसे डिस्कस किया ही कि काल्की उसको मैं चाहती हूँ कि इसी में वो आ जाए और किसी भी थ्रू आए, उसका ट्रीटमेंट हो, उसको वो बेनिफिशियल लगे या फिर वो लेवल्स करे, तो मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे पूरी फैमिली, और मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड वाइड फैलना चाहिए। मुझे एक डिस्टेंस से जो आपने अटेनमेंट प्रोसेस करा वो मुझे मतलब पहले जब मैंने ज्वाइन किया था ना तो इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी दूर से कैसे अटेनमेंट हो जाएगा, मगर जब आपने अट्यून किया ना तो मुझे फील हुए, मैंने सोचा कि इतनी दूर से कैसे फील होगा मुझे, बट वो जो डाउट था ना वो क्लियर हो गया जब मुझे फील हुआ आपका हैंड मेरे ऊपर रखा। इट्स ऑलवेज ऑसम मैम टू बी विद यू, एक्चुअली स्पेशली बीइंग विद यू आपको देखना ही लगता है इट मेड माय डे। सो ये कनेक्शन भी मुझे सिर्फ आपके साथ मिलने के लिए करना था, अदरवाइज पर्सनली आई हैड नो क्वेरीज बिकॉज एवरीथिंग वाज सॉर्ट आउट इन द सेशन इटसेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, इनफैक्ट एवरी डे आई एम इनवाइटिंग, आई मीन प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ आफ्टर डूइंग दिस रेकी। तो I really want to, I mean, I just want to go ahead with this Reiki. I don't know how far will I, but yes, I really want to take it too far, ma'am. I want to reach that level, I mean, where really I can look forward. I mean, I can make people surprised that yes, I'm not that what I was. So, it's a very nice platform, ma'am. Thank you so much. It's my general question. बहुत बार लोगों को ना ऐसे confusion होता है ना कि Reiki क्यों सीखनी चाहिए, what is the benefit? बट बेनिफिट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, तो जस्ट टेल मी योर एक्सपीरियंस कि आपके लाइफ में आपको रेकी के बाद ऐसा क्या लगा कि क्या बेनिफिट हो सकता है रेकी? मैम यूनिवर्सल टच, यूनिवर्स रियली वो करता है जो हम चाहते हैं। मुझे ये चीज सिर्फ मैम से सुनती थी मैं, बिकॉज यू नो माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर इन लॉज देर ऑल इन टच विद इट, वो हमेशा जब भी बोलते मुझे बहुत यू नो आई यूज टू फील ऐसा कुछ नहीं होता है। बट येस मैम हम जो बोलते आई मीन आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल मैम, 26 को मेरे बेटे का बर्थडे था एंड आई रियली टेल यू ही वॉन्टेड टू गो आउट मैम, ही वॉन्टेड टू स्पेंड अ डे इन अ स्टार होटल एंड इट वॉज अ कर्फ्यू इन बैंगलोर बिकॉज सैटरडे संडे वी हैव कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यूज। मैम मैंने सिर्फ 24 के बाद मैंने उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाया, आई डोंट नो नथिंग इज इन माय हैंड बिकॉज आई नो इट इज कर्फ्यू टोटली कर्फ, आई मीन इट्स अ लॉकडाउन, बट आई स्टार्टेड सेंडिंग माय एनर्जीज टू यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज उसका दिन प्लीज आई बेग, आई जस्ट वांट हिज डे टू बी ब्लूम एज ही वांट्स इट। एंड मैम बिलीव मी 24th मैंने ये बात बोली, 25th तो हैपेंड, 25 इवनिंग तो वी वर आउट एंड 26 ही वाज इन द स्टार एंड ही वाज ब्लशिंग, मम्मी आपने यूनिवर्स से कहा हो गया, आई मीन मैम उसके बाद यू कैन नॉट बिलीव और बढ़ गया यू नो। Now, whatever I want, I really convey my thanks to my universe and I get it happen. That is what has Reiki given me. Universe, universe. Morning se utke everything in universe hi karega. Jo karega, universe karega, Paramatma karega. That is it. I'm really loving this journey, ma'am. I mean, I don't know, somehow this has really brought a, you know, a blessing, that acknowledgement jo mujhe life se nahi tha. I used to feel nothing is like blessing and blessing. Everything is like jisko jo mila. So, but then, ma'am, blessing hai. I mean, if you are grateful, if you are forgiving, everything really works, ma'am. It works. Ek small grateful, ek gratitude, or ek thankful. That is what the whole day I keep doing it. Pankaj sir, please share your number. To team, aapko help kar paayegi. Ma'am, it is happening. It is working miraculously. It is really working.
और आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो लाइव क्लास है उसमें जो लाइव उन्होंने अट्यूनमेंट के दौरान भी फील किया, उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे। तो जो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट है, यू हैव लास्ट 5 मिनट्स, तो प्लीज शेयर योर नेम इन द चैट बॉक्स। योगिनी मैम, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कल भी काफी कुछ फील हुआ तो मैंने बताया आपके फोन पे फोन करके कि बहुत सारे कलर अलग अलग डिफरेंट अलग अलग, जैसे 24 पॉइंट कर रही थी तो कहीं पे रेड एनर्जी, कहीं पे क्या हो रहा था, कहीं पे पर्पल एनर्जी कलर, और अभी भी 7 एंजल्स आई अलग अलग तरह अलग अलग कलर से, तो उन्होंने ही किया पूरा डिफरेंट सा बहुत लगा। काफी दिन से काफी फर्क पूरी बॉडी में, मुझे खुद भी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है तो फर्क है, मेरे से बैठा नहीं जाता फिर भी मैं बैठ रही हूँ, और थोड़ी ने पहले से मैं कर रही हूँ और कुछ अलग सा ढूंढ रही थी, वो आप में सब कुछ है, मतलब मुझे अभी कुछ कहना नहीं, सब कुछ है जो पहले से फील कर रही हूँ इतने सालों से वो भी सब कम्प्लीट होता जा रहा है, जो दिखता है हर चीज तो सब कलर 7 कलर दिखते हैं फील होते हैं, अभी भी हाथ से 7 कलर ही ये हुए फील, सो अभी भी शिफ्ट भी हुई बॉडी पे, कभी क्या होता है अपने खुद के पॉइंट भी अप एंड डाउन हो रहे हैं जैसे पैरों पे। यस मोहन सर, आपको कंफर्मेशन टीम ने दे दिया है, तो जिन जिन लोगों को अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है प्लीज आप व्हाट्सएप पे अपना कंफर्मेशन फाइनल कर दीजिए। आप बैच नंबर 1 या 2, यानी डेट्स तो सेम है, बस टाइमिंग आपको जो कंफर्टेबल है वो बता दीजिए, तो उस रिस्पेक्टेड ग्रुप में टीम आपको ऐड कर देगी। थैंक यू सो मच। बस पैरों में दर्द रह रही है बस, और बाकी सो हैप्पी, बहुत अच्छा लगा, जो कि कल रात को खाना खा लिया था फिर भी मुझे बहुत एक्शन दी, और लास्ट में जब मैंने इस तरीके से आपने बोला हाथों को रब करना है तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हाथों में ना बहुत तेज वाइब्रेशन आ रही है और वो आपस में मतलब एक अलग वाला फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में आज ईश्वर ने ऐसे हाथ पकड़ा है, वो लेके गए हैं, वो बिठा रहे हैं, और हाथों में रियली महसूस हो रहा था कि मतलब मेरे हाथों में फूल है, तो वो चीज जो आज हमने महसूस की है अमेजिंग है, इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी, तो मैंने फर्स्ट वाले ट्रीटमेंट में भी काफी चीजें मुझे बहुत अच्छी थी। मैम एक्सप्लेन करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, आपने बताया कि आप आए हैं अटेंडमेंट कर रहे हैं, तो यू आर लाइक देवी फॉर मी, जैसे जैसे देवी माँ की इस तरीके से आकृति होती है वैसे ही आप देख रहे हैं एंड आप मुझे वो एनर्जी दे रहे हैं, और कभी भी अभी भी अगर मैं ऐसे करके बैठती हूँ ना कभी भी आई फील यहाँ पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े हो कम हो ज़्यादा हो, जब भी ऐसे पोजिशन में बैठते हैं तो ऐसा फील होता ही है जैसे यहाँ से कुछ फ्लो कर रहा है, एंड जब जब भी ऐसे अटेनमेंट होती है आपके साथ तो फील लाइक कि फुल ऑफ एनर्जी शरीर में जा रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो थी वो दूर हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी हेल्प। हाँ ब्रिज मोहन सर जी, बस आप अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम शेयर कर दीजिए और आपके बैच का टाइमिंग, तो टीम आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। मैं लास्ट सबकी हेल्प कर दूँ कि इस वेबिनार के बाद आप बुक करते हो तो अमाउंट आपके लिए 3000 है, जितने लोगों ने वेबिनार में बुक किया है उनके लिए ही ये अमाउंट 999 है, 25 सीट्स के बाद वो 1999 हो जाएगी। तो वंस अगेन आपके इस रिस्पॉन्स के लिए और जिन जिन लोगों ने इस रेकी जर्नी का इनिशिएटिव लिया है कंग्रेचुलेशंस, जिन लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट किया है उनको थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन मैं आप सभी के साथ प्यारी सी शेयरिंग करना चाहूँगी कि आप ज़रूर इन सब जर्नी में जो आप
कनेक्शन इस एनर्जी के साथ पा सकते हो, ये आपके लिए एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया है, कंग्रेचुलेशंस। तो और एक बार मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, जितने लोग अभी भी इस प्रोसेस का पार्ट है। आप टीम का यह नंबर आपके पास रखिए, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप सभी को इस जर्नी के लिए हैप्पी जर्नी। जो लोग ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, आप सभी के साथ में लाइव सेशन में मिलूंगी। और जितने लोगों ने इस अवेयरनेस जर्नी के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वंस अगेन थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।